हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे भयंकर। अब तो गाइस, आज क्या हुआ कि मतलब सुबह से बिजी था मैं, नहीं मिल पा रहा था समय कि भाई हम वीडियो बना पाएं। तो अभी फिर बड़ी मुश्किल से खोद खाद के कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और सारी वीडियो को देखो भाई बारी बारीकी से, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो भाई सीखने के लिए मिलेगा तुम्हें। सो आप जिस जगह को अभी देख रहे हैं ना, ये कोई महल नहीं है, कोई बड़ा फाइव स्टार होटल भी नहीं है, ये है क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो पहले भाई इसको ना तुम चारों तरफ से देख लो, तुम्हें लगेगा कि झोपड़ी है, बट दिस इज नॉट झोपड़ है, दिस इज, ये देखो भाई, इसको बोलते हैं किसान की मचान या मंडिया टाइप या पोहरा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ हूँ, देखो भाई मौसम एकदम, जब मैंने इससे मतलब इसी जगह पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो वो क्या था कि उस समय गेहूँ बहुत छोटे थे। तो अब देखो भाई गेहूँ कितने बड़े हो गए हैं, और ये गेहूँ क्यों बड़े हो गए इतने बड़े भाई साहब, इसके पीछे बहुत बड़ी जंग लड़ी जाती है। तो मैं बताता हूँ कहाँ से लड़ी जाती है। तो देखो भैया, रात को ना एक आदमी यहाँ चाहिए होता है पूरा, उसका चूल्हा ये है, यहाँ वो खाना बना लेगा अपना, ठीक है। ये क्या है? डिस्पोजल ग्लास, पैक बीमारी भी लगता है। और यहाँ इनकी एक खटिया है, तो यहाँ भाई रात को बंदा अपना सोएगा, ठीक है। यहाँ देखो चारों तरफ से क्या पर्दे पर्दे लग रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो सोता है, इधर भी उधर भी। ओह ये इसे कहते हैं सनरूफ वाला झोपड़ा, मेरा कंधा फंस रहा है यार ये। तो आपने देखो शहरों में अक्सर कुत्ते भी भाई अब तो सनरूफ में आ जाए, मुंडी बाहर निकाल के, हम भी कहते हैं क्या किस्मत है यार कुत्ते की, बताओ सनरूफ वाली गाड़ी में घूम रहा है। बट यहाँ का सनरूफ कुछ अलग ही है, ये देखो है कि नहीं है, मतलब ये लगा लो भाई साहब सबसे महंगी कार जो होगी ना वो भी फेल है सनरूफ के आगे, ये झोपड़ा रूफ है, कहने का मतलब ये है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो देखो यार मतलब ना ऊपर से बारिश में तो यहाँ हालत ख़राब हो जाती होगी ना उसकी, कि भाई पानी बरसता होगा, बंदा कैसे रहता होगा यहाँ पे। तो देखो भाई कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, खेत के बीच में है, कि भाई कभी भी रात को कुछ भी हो सकता है, हाथी भी आ सकता है, टाइगर वगैरह कुछ भी, A to Z। तो ये देखो इनमें अभी गेहूँ के ना बाल आ गए, तो अभी थोड़ा और समय लगेगा फिर ये पकेंगे। तो रात को यहाँ पे क्या होता है कि मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदे को बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, वेपन वगैरह, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये टायर देख रहे होंगे ना पीछे, अब इन्हीं टायरों की ना मिसाइल बनती है यहाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनती है मिसाइल, ये हम ही लोग बनाना जानते हैं जो गाँव के दराज के एरिए के होते हैं। क्या मस्त हवाएं यहाँ चलती हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है भाई, तुम गाँव में आके देखो, हम तुम्हें जीना सिखा देंगे। शहर का जीवन कोई जीवन नहीं है भयंकर, वो दो चार दिन हमें बस शहर की लाइटें अच्छी लगती हैं, फिर अपना अंधेरा गाँव चाहिए हमें, हाँ इधर ही किलबिस जागता है ना क्योंकि। तो गाइस देखो भाई चने की भी खेत हैं ये, अभी ये इसमें चना होगा, ठीक है, अभी इसमें फूल आ रहा है वाइट वाइट। अब मैं समझा वो गाना क्यों बना था भयंकर, चोरा चोरी चने के खेत में, कोई गया होगा खेत में चने के, वहीं कर दिया होगा कुछ ना कुछ, तो गाना भी बना डाला। बताओ कैसे है हमारे बॉलीवुड वाले, मोदी जी सही कहते हैं कि हमारे देश में ना माँ की कसम बहुत तेजस्वी लोग हैं, यशस्वी लोग हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ तो भयंकर फिर मिट्टी में मिला देंगे। तो ठीक है भाई, सब अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे को खुशी है बस। गाइस जो ये फूल आप देख रहे हैं ना, तो इसका ये है मेन मुद्दा कि कभी गेहूँ काटते वक्त हाथ वात कट जाए कुछ, तो इसमें क्या होता है इसका पत्तों का ना रस निकाल के ना इसे ऐसे मसल के, और अगर उसमें रख देंगे घाव के ऊपर, तो मतलब ऑन द स्पॉट 5 मिनट में बाजे तुम्हारा घाव सटीक है, 24 घंटे के अंदर तुम्हें पता भी चलेगा कि उंगली कटी भी थी करके ऐसा। तो ऐसे भी यहाँ पे वेद वगैरह छुपे हुए हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, गाँव का जीवन कैसे चलता है, शहर चल रहा दवाइयों पर, यहाँ तो हम खुद भयंकर जड़ी बूटी क्या है, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, बहुत सारी चीज़ें यार जो हमें नहीं मालूम, हम वो दूसरों से पूछवाते हैं। तो देखो गाइस कैसे मतलब यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है इनके रहने के लिए, ये देखो भाई पूरा झोपड़ा ना ऊपर से नीचे तक एकदम पूरा खुला हुआ है, पानी की बोतल भी अगर बंदा ले करके आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, खुद देख लो भाई ऐसा नहीं है, ये गाँव का जीवन है, कल्चर ही ऐसा है गाँव का। अब जाता मैं अगर और आगे तक तो थोड़ा क्या है कि अब गेहूँ वगैरह टूट जाएंगे, ये अपना खेत नहीं है ना, अपने खेत के तो मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इन खेत के गेहूँ नहीं तोड़ सकता मैं। सो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ, वीडियो अच्छा लगे कमेंट करना कैसा लगा, फिर और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।